नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलिए दोस्तों, आज एक बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर आए राजस्थान के मुख्यमंत्री। जैसा कि आपको पता है, मुख्यमंत्री आरएएस एसआई सीईटी ग्रेड फर्स्ट सेकंड ग्रेड थर्ड इन सब में आता है। लेकिन इन मुख्यमंत्रियों में खास बात है कि हम राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे। आपको अच्छी तरीके से पता है, राजस्थान में अब तक जो मुख्यमंत्री हुए हैं उनमें एक ही महिला मुख्यमंत्री हुई है, वसुंधरा राजे। अब ये तो एक कॉमन सा क्वेश्चन था, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को हम थोड़ा और तरीके से घुमा दे रहा हूं। पूछ लें, कौन सी विधानसभा थी जिसमें पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो सवाल घूम गया ना। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री को पढ़ने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी विधानसभा में कौन मुख्यमंत्री था। कई बार ऐसे भी सवाल आए, वह कौन सी विधानसभा है जिसमें सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री थे, या वह कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने सबसे ज्यादा विधानसभाओं में मुख्यमंत्री के दायित्व का निर्वहन किया। सवाल अपनी जगह पर सभी सही होते हैं, समझ का फेर होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों का एसएसटी पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और निश्चित रूप से हम उन सवालों की श्रृंखला पर बात कर रहे हैं जो एग्जाम फोकस्ड हैं, एग्जाम में आती हैं, और अभी दुनिया भर के एग्जाम राजस्थान में हो रहे हैं। उन सब में आपने राजस्थान पॉलिटी के सवाल देखे होंगे। अभी हाल ही में सीटी का भी पेपर हुआ है, पिछले आरएस के पेपर हुए हैं, पीएसआई के पेपर हुए हैं, उनमें राजस्थान के क्वेश्चंस आए हुए हैं। आज मैं अकेले मुख्यमंत्री पे बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो मेरी राजस्थान की विधानसभा को लेकर कोशिश करूंगा मैं, और राज्यपाल को लेकर के मैं क्लास लूंगा। तो राजस्थान की विधानसभा और राजस्थान के राज्यपाल के संदर्भ में, ठीक है? ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड थर्ड, आरएएस, पीएसआई और पटवार, इन सब में राजस्थान पॉलिटी आती है, ठीक है दोस्तों? चलो साहब, पहला ही सवाल है, निम्न में से कौन सा कार्य मुख्यमंत्री का है? देखो, मुख्यमंत्री के कार्यों को हम दो तरीके से देख सकते हैं दोस्तों। एक तो मुख्यमंत्री के वे कार्य जो संविधान में है, किसमें है? संविधान में। और एक मुख्यमंत्री के वे कार्य जो संविधान में नहीं है, संविधानेतर कार्य, ठीक है? मुख्यमंत्री जो शब्द है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं, बात पर ध्यान दीजिएगा। जो मुख्यमंत्री शब्द है वो कितने अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 167। तीन अनुच्छेद हैं जिनमें मुख्यमंत्री है, इसके अलावा सीएम शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है? अब सवाल हमारे यहीं से बन जाता है दोस्तों कि मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री का कार्य ये है मुख्य सचिव की नियुक्ति करना। ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, श्योरली आपका आंसर बिल्कुल कॉन्फिडेंसफुल था तो आपने सही जवाब दिया है। लेकिन कुछ बच्चों ने ये सरकारी उत्तर दे दिया ऊपर एक सभी, तो मैं उन बच्चों को बताना चाहूंगा, मैं उन बच्चों को निश्चित रूप से बताना चाहूंगा, ये जरूरी नहीं है उपर्युक्त तो सभी आए तो वही सही हो, ठीक है? ये ऐसा कंपटीशन में बहुत कम होता है। अब जैसे लोकायुक्त की नियुक्ति ये राज्यपाल करता है, कौन करता है? राज्यपाल द्वारा। सूचना आयुक्त की नियुक्ति ये भी राज्यपाल करता है, ठीक है? तो अब साहब बताइए इसका उत्तर क्या हुआ, मुख्य सचिव की नियुक्ति। अभी मुख्य सचिव कौन होता है? वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर होता है, ठीक है? और जो नौकरशाही है राज्य की, राजस्थान की जो प्रशासनिक कार्यपालिका है उसका सर्वोच्च अधिकारी होता है मुख्य सचिव। राजनीतिक कार्यपालिका का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, जिसे आप मंत्रिपरिषद कहते हो, और प्रशासनिक कार्यपालिका का मुखिया मुख्य सचिव होता है। मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय में होती है, सचिवालय का अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है,
इसे कैबिनेट सेक्रेटरी भी कह सकते हैं, मुख्य सचिव भी कह सकते हैं। मुख्य सचिव पर अलग से सवाल भी बनाऊंगा। मुख्य सचिव एक सरकारी अधिकारी, एक आईएएस ऑफिसर है, इसलिए मुख्य सचिव तब तक पद पर रहता है जब तक उसे सीएम का यानी मुख्यमंत्री का विश्वास होता है, ठीक है। और मुख्य सचिव आपको पता है अलग से भी टॉपिक है, उस पर डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने कोशिश की है, जिन बच्चों का सवाल गलत हुआ है उन बच्चों को भी पता चल गया है कि भाई सवाल गलत क्यों हुआ है, ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। चलो मैं दूसरे सवाल की तरफ जा रहा हूं दोस्तों। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को प्रथम डिक्टेटर कहा जाता है? वैसे तो डिक्टेटर अधिनायक को कहते हैं, तानाशाह को कहते हैं, लेकिन जिस शख्स का यहां पर हम नाम लेंगे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, वो राजस्थान के शेर कहलाते हैं। अब आपको इतनी हिंट दे दी, ठीक है, वो राजस्थान क्या कहलाते हैं? शेर कहलाते हैं। अब आप उत्तर दीजिए, हिंट दे दिया मैंने, चलिए बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स हैं, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में भी इनकी भूमिका है। देखो सही और गलत एक लर्निंग का पार्ट है, यहां तो हम घर की बात है, आप गलत कर भी दोगे तो कोई बात नहीं, यहां मेन चीज है आपको सीखना है। सही और गलत के चक्कर मत पड़िए, गलत होता है तो होने दो लेकिन सीखेंगे तो सही ना, आज गलत कर लोगे पेपर में सही हो जाएगा ना। बिल्कुल आप लोगों के जवाब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। देखो राजस्थान में तीन मनोनीत सीएम है, मनोनीत सीएम क्यों कहते हैं उनको, बोबा सुनिए। राजस्थान में पहली विधानसभा का चुनाव हुआ 1952 में, दूसरी का 1957 में, तीसरी विधानसभा 1962 में, चौथी विधानसभा 67 में, पांचवी विधानसभा 1972 में, छठवीं विधानसभा 77 में, सातवीं विधानसभा 1980 में, आठवीं विधानसभा 1985 में, नौवीं विधानसभा 1990 में, दसवीं विधानसभा 1992 में, सॉरी दसवीं विधानसभा 1993 में, ग्यारहवीं विधानसभा 1998 में, बारहवीं विधानसभा 2003, तेरहवीं विधानसभा 2008, चौदहवीं विधानसभा 2013, पंद्रहवीं विधानसभा 2018 और अब सोलहवीं विधानसभा आएगी 2023 में, राजस्थान की सोलहवीं विधानसभा आएगी अब, ठीक है ना, जो दिसंबर 2023 में जिसके चुनाव होंगे। अब ये तो निर्वाचित विधानसभाओं में सीएम है, और तीन मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो विधानसभा चुनाव से पहले थे, और उनका नाम है दोस्तों एच वी जे, हीरालाल शास्त्री, वेंकटाचारी और जय नारायण व्यास, ठीक है। तो जय नारायण व्यास राजस्थान के प्रथम डिक्टेटर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने मारवाड़ में जोधपुर वाले एरिया में जमींदारी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी और इन्होंने वहां के लोगों में जागरूकता पैदा की। दोस्तों इनकी किताब भी है पोपाबाई की पोल, जब राजस्थान में पहली विधानसभा का चुनाव हुआ था उस टाइम पर यही मुख्यमंत्री थे जय नारायण व्यास जी, लेकिन ये चुनाव हार गए थे इसलिए इनके प्रयास से इनके समर्थन से मुख्यमंत्री बनाए गए थे टीकाराम पालीवाल, ठीक है। तो ध्यान रखना राजस्थान के प्रथम डिक्टेटर शेर ए राजस्थान और राजस्थान के तीन मनोनीत सीएम में जय नारायण व्यास का नाम भी आता है, लेकिन जय नारायण व्यास टीकाराम पालीवाल के बाद निर्वाचित विधानसभा में भी सीएम बने थे पहली विधानसभा में, इसलिए जय नारायण व्यास मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार के सीएम की काउंटिंग में आते हैं। इतनी बात हमें इस क्वेश्चन से पता चली है, मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने ये व्याख्या की है ये आपकी बहुत काम की होगी दोस्तों, ठीक है। राजस्थान में ये हरिदेव जो ये हीरालाल शास्त्री, वेंकटाचारी और जय नारायण व्यास, ये तीनों ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे, ठीक है। चलो
राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री को राजा मानसिंह हत्याकांड के बाद पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? बिल्कुल, ये आप जब तक जवाब दीजिए मैं आपको तब तक कुछ बताता हूं। पहली विधानसभा, दूसरी विधानसभा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, आप जवाब दीजिए। 1952, 1957, 1962, 1967, 1972, 1977। सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं। 1980, 1985, 1990, 1993, 1998। चलो उत्तर आ गया आप लोगों का, बहुत बढ़िया। शिवचरण महतो। अब सुनिए, ये देखो, ये थी सातवीं विधानसभा, ये देखिए। और सातवीं विधानसभा में आप देख रहे हैं सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, ठीक है, वो बनाए जाते हैं कौन दोस्तों? ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं जगन्नाथ पाड़िया जी। कौन बनाए जाते हैं? जगन्नाथ पाड़िया, ठीक है। जगन्नाथ पाड़िया जो बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं कब? इस प्रश्न का उत्तर भी हो गया। जगन्नाथ पाड़िया बनाए जाते हैं 80 से 81 तक के लिए, ठीक है। फिर 1981 में मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं शिवचरण माथो, और ये रहते हैं 85 तक। जगन्नाथ पाड़िया जी को हटा दिया जाता है, राजस्थान के एकमात्र अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री हैं, और फिर बनाए जाते हैं शिवचरण माथो सातवीं विधानसभा में। अब देखो, आठवीं विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ठीक है, और ये बात है फरवरी 1985 की। कब की बात है? फरवरी 1985। और जैसे ही विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो शिवचरण माथुर जाते हैं फरवरी 1985 में डीग, भरतपुर डीग में, और डीग के विधायक थे राजा मानसिंह, निर्दलीय विधायक थे, और शिवचरण माथुर थे कांग्रेस से। शिवचरण माथुर बेसिकली मूल थे मध्य प्रदेश गुना के रहने वाले थे, करौली में इनके नानाजी थे, और नानाजी इनके आते हैं भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में मांडलगढ़ से विधायक थे, और ये माणिक्य लाल वर्मा जी के दामाद लगते थे। तो दोस्तों, फरवरी में जब ये डीग में जाते हैं तो राजा मानसिंह जी और इनमें एक छोटी सी बात के ऊपर विवाद हो जाता है, और ये शिवचरण माथुर जी के हेलीकॉप्टर में टक्कर मार देते हैं। शिवचरण माथुर जी चुनावी प्रचार को छोड़ करके वापस जयपुर आते हैं, और राजा मान सिंह जी को गोली मारने का आदेश दे देते हैं, ठीक है, कि इन्होंने एक मुख्यमंत्री को मारने की कोशिश की। इस तरीके से दोस्तों, शिवचरण माथुर के आदेश पर राजा मान सिंह जी को क्या है, पुलिस एनकाउंटर में मार दिया जाता है। राजीव गांधी जी इससे नाराज हो जाते हैं और शिवचरण माथुर को इस्तीफा देना पड़ता है। राजीव गांधी जी इसलिए नाराज हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है उस टाइम पर वो प्रधानमंत्री थे, केंद्रीय नेतृत्व था, कांग्रेस के वो सर्वे सर्वा थे, ठीक है, आला कमान की बात माननी पड़ती है। इसके बाद में फिर आपने नाम सुना होगा हीरा लाल देवपुरा का। तो 23 फरवरी से 10 मार्च 1985 तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया जाता है हीरा लाल देवपुरा को। इसलिए सातवीं विधानसभा में ध्यान रखना, तीन मुख्यमंत्री रहे थे। कितने मुख्यमंत्री रहे थे? तीन मुख्यमंत्री रहे थे। कौन सी विधानसभा में? सातवीं विधानसभा में। अभी जो एग्जामों में सवाल आया हुआ दोस्तों, वो यही आया हुआ है कि राजस्थान का वह कौन सा मुख्यमंत्री है जिन्होंने एक भी विधानसभा में भाग नहीं लिया या न्यूनतम अवधि वाला सीएम। तो वो है हीरा लाल देवपुरा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। निम्न से कुछ मुख्यमंत्री ने संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की थी,
बताइए दोस्तों, प्रश्न आपके सामने है। ये दोस्तों कुछ आंकड़े हैं संभागीय व्यवस्था पर। उत्तर आप लोगों का आ गया, बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चों से ही जवाब दिया है, बिल्कुल साफ सही है। हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री 7 अप्रैल 1949 को राजस्थान के क्या बने थे? प्रथम मनोनीत सीएम बने थे। और जैसा कि आपको पता है 1949 में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। वर्तमान में 7 संभाग है दोस्तों। कितने संभाग है? 7 संभाग हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर, यही इनके संभाग बनने का क्रम है। तो सबसे नवीनतम संभाग माना जाएगा भरतपुर। अभी आपको पता है नए संभागों की घोषणा हुई है जो 1 अप्रैल से अस्तित्व में आ सकते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो 1949 में संभागीय व्यवस्था शुरू की राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम हीरालाल शास्त्री जी ने। 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया जी ने इसको समाप्त कर दिया, लेकिन 1987 में पुनः संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की और उस टाइम पर मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। इसलिए तीनों के तीनों नाम काम के हैं। तो इन्होंने तो क्या की? शुरू की। समाप्त किन्होंने की? मोहनलाल सुखाड़िया जी ने की। और पुनः प्रारंभ किन्होंने की? हरिदेव जोशी ने की, ठीक है। गुड, आप लोगों का जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। और इससे आगे कार्रवाई और मैं आपको बता ही रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, तो बताओ कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री से संबंधित नहीं है? अभी जिसने शुरू शुरू में मेरी क्लास देखी है वो उत्तर बता देगा, कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री से संबंधित नहीं है। यानी वह अनुच्छेद बताना है जिसमें मुख्यमंत्री शब्द का उल्लेख हुआ है, ठीक है, संबंधित नहीं है। तो दोनों तरीके से देख सकते हो, वो अनुच्छेद बता दो या तो जिसमें मुख्यमंत्री शब्द है, या फिर वो देख लो जिसमें मुख्यमंत्री शब्द नहीं है, ठीक है। गुड, सही जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड। देखो दोस्तों, आप लोगों की जो मेहनत है वो आपके काम तो आएगी आएगी, लेकिन आप अपने बच्चों और माता पिता के भी काम के हो जाते हो। इसलिए ध्यान रखना, जब एक व्यक्ति सरकारी नौकरी लगता है तो 3 पीढ़ियों को सुधारता है वो। अपने माता पिता के लिए भी बुढ़ापे का सहारा बनता है, माँ बाप को गर्व होता है समाज में वो आपकी वजह से सिर उठा करके चलते हैं। कई बार ऐसा होता है जब व्यक्ति को वो मनवांछित स्थान नहीं मिलता है समाज में, तो कई बार समाज कुछ नहीं कहता है लेकिन मन ही मन अपने आप को अपराधी सा घोषित करते हैं, अपराधी जैसा महसूस करते हैं। तो ना उनको खुशी में खुशी होती है, ना दुख में दुख होता है, वो समदर्शी से हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, जिंदगी में सफलता मिलना बहुत जरूरी है। सफलता का मापदंड सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, ज्ञान अर्जन जिस व्यक्ति ने कर लिया और ज्ञान को व्यावहारिक जीवन जिसने प्रयोग कर लिया, उपयोग कर लिया, उसका यूटिलाइज कर लिया, उस व्यक्ति को ही हम सफल कह सकते हैं। किताब भी ज्ञान नहीं, ज्ञान समग्र है, ज्ञान बहुत है। दर्शन शास्त्र में माननीय डॉक्टर विजय भारद्वाज जी आपको ज्ञान चक्षुओं के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो मैं आपको फिलहाल यहाँ पर बता रहा हूं अनुच्छेद 169। इन चारों अनुच्छेदों में अगर मैं वाक्यों को देखूं, बेसिकली मूल मूल वाक्यों की बात करूं मैं, तो अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद है और मुख्यमंत्री का भी जिक्र करती है। कैसे करती है?
राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, लेकिन राज्यपाल स्वविवेक के मामलों पर मंत्री परिषद का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 164, सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करता है और सीएम के परामर्श से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, लेकिन मंत्री परिषद में जो कुल सदस्य संख्या होगी वो विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगी। इसे 91 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया जो लागू 2004 में हुआ, ठीक है। इसके बाद में अनुच्छेद 167, सीएम के कर्तव्य, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्री परिषद द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनकी सूचना वह राज्यपाल को देता है। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, ये ऑनलाइन और लाइव क्लास है, आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को पहुंचाओ इसे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप पढ़ करके अपने मित्रों को इसे शेयर नहीं करते हैं, तो फिर आप काहे के मित्र हो। अच्छी चीज को मित्र के लिए जरूर बताना चाहिए। आपको लग रहा है कि दो नंबर सवाल, दो तीन क्वेश्चन सही हम करवा सकते हैं, तो खुद भी और अपने दोस्तों को भी उसको लाभ दीजिए पूरा का पूरा। तो ध्यान रखना, मार्ग वही जो जस मन भावा, ठीक है। तो रास्ता तो आप खुद बनाते हो, लेकिन अच्छे और बुरे का अंतर तो आपको आना चाहिए। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का सृजन और समाप्ति, तो ध्यान रखना उत्तर आएगा 4। अनुच्छेद 169 का संबंध सीएम से नहीं है, विधान परिषद से है, और विधान परिषद का सृजन संसद करती है। कौन करती है? संसद द्वारा साधारण बहुमत से विधान परिषद का सृजन किया जाता है। और अगर मान लीजिए संभागीय व्यवस्था रघुवीर सिंह कुमावत, मैंने जहां तक है 62 ज्यादा सही है, मैंने गलती से 67 बोल दिया, बिल्कुल 1967 मैंने गलत बोल दिया, 1962 ही सही आएगा, हाँ गलती से बोल दिया है, बिल्कुल श्योर, हाँ वो मैंने गलती से बोल दिया बेटा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सर्वप्रथम कौन सी विधानसभा में बनी थी? आगे देख लो सवाल, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन सी विधानसभा में बनी थी, ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों, आपके उत्तर आपके पढ़ने के तरीके से हम भी गलती नहीं कर सकते, ध्यान रखना। फटाफट बताओ। गुड, अभी मैंने बताया था, बिल्कुल अभी मैंने बताया था और आपने सुना भी था, बहुत बढ़िया, बिल्कुल उत्तर आ भी रहा है, बहुत शानदार। इसका मतलब हमारी हर बात को सुनते हो, हर बात को देखते हो, गुड। वसुंधरा राजे बनी थी साहब 2003 में, ठीक है। पहली महिला सीएम वसुंधरा राजे कब बनी थी? 2003 में। और 2003 में कौन सी विधानसभा थी? 12वीं। ये मैं आपको बता चुका हूं, आप खुद देख सकते हो। ये देखो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं, ये देखो, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। इस तरीके से सवाल जब आप देखते हो दोस्तों, तो आपका विश्लेषण और ज्यादा बढ़ जाता है कि सर ऐसे भी कैलकुलेट करना है का, यस ऐसे भी कैलकुलेट करना पड़ता है क्वेश्चन को देख लो। यानी उसने सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा कि राजस्थान में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बनी है, जब तो आप उत्तर दे दिए कि महिला मुख्यमंत्री बनी है 2 बार, उसने सवाल को घुमा दिया। जिस बंदे को विधानसभाओं का पता होगा निश्चित रूप से वो कभी भी उत्तर गलत नहीं कर सकता। मैंने जैसा कहा भी था कि कौन सी विधानसभा में सबसे ज्यादा, कौन सी विधानसभा में
सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रहे हैं, आप भी इस प्रश्न को मेरे कमेंट करके जवाब दीजिए। कौन सी विधानसभा में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रहे? 7वीं विधानसभा तो मैंने बता दी, 3 रहे। इसके अलावा बताओ एक विधानसभा और जिसमें भी 3 मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान में मुख्यमंत्री के अलावा अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, देखा जाए तो थोड़ा कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन सरल भी और कैलकुलेटिव भी है। 91 संविधान संशोधन हुआ था, 91 संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में 91 संविधान संशोधन। सीएम सहित मंत्री परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% होगी। राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 200, 200 का 15%, 15 × 30। ठीक है, मुख्यमंत्री के अलावा एक माइनस सीएम कर दो तो कितने हो गए? 29 मंत्री और एक सीएम, टोटल कितने होते हैं? 30। उत्तर क्या आएगा धर्मेंद्र बेटा? जोड़ना नहीं था, घटाना है। मुख्यमंत्री के अलावा 29, उत्तर क्या आएगा? 2 आएगा। ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल, ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिया है। रघुवीर का तो बिल्कुल ही सही है। अब आप देख लो, हमें घटाना है जोड़ना है, सवाल को उसी हिसाब से समझना है। मैंने मंत्री परिषद की सदस्य संख्या पूछी होती, राजस्थान मंत्री परिषद में कितने सदस्य होंगे? तो 30। प्रश्न सिंपल है, सीएम के अलावा, यानी सीएम को जोड़ना नहीं है, सीएम को घटाना है। क्लियर हो गई बात, है ना? चलो इसके बाद में अब क्वेश्चन नंबर 8 पर बात कर रहा हूं मैं। राजस्थान का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसको कार्यवाहक राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब आप दो, अब देखते हैं। चलिए सर बताओ, राजस्थान का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसको कार्यवाहक राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी? एक ही मुख्यमंत्री है सर। चलो तुक्का लगा रहे, तुक्का देखो, तुक्का लगा रहे। चलो मैं बताता हूं, और लगा लो, और देख रहा हूं तुक्का में भी किसका सही है ये देख रहा हूं मैं तो। चलो बताओ, लगाओ तुक्का लगाओ, अंदाजा। हालांकि नेगेटिव है, लगाना नहीं चाहिए दोस्तों ऐसे सवाल को, अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ देना चाहिए, यही तो हमें सीखना है यहां पर। कुछ बच्चे जितने ईमानदार हैं उन्होंने साफ कह दिया सर कोनियाब सर, लेकिन कुछ बच्चे तुक्का लगा रहे हैं, और तुक्का में देख रहा हूं दोस्तों किसी का भी जवाब सही नहीं आया है। ठीक है, बिल्कुल अशोक गहलोत जी, और इनको शपथ दिलाई थी जब 1 दिसंबर 1998 को अशोक गहलोत जी ने शपथ ली थी सीएम की। उस टाइम पर कार्यवाहक राज्यपाल थे नवरंग लाल टिबरेवाल जी, नवरंग लाल टिबरेवाल। ठीक है, ये थे कार्यवाहक राज्यपाल, कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? नवरंग लाल टिबरेवाल। ये राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे नवरंग लाल टिबरेवाल जी, और इस तरीके से इन्होंने
अशोक गहलोत जी को जब ये पहली बार सीएम बने थे तब इनको शपथ दिलाई गई थी। एक खास बात और सुन लो अशोक गहलोत जी की, अशोक गहलोत जी उस टाइम पर विधानसभा सदस्य नहीं थे, लोकसभा सदस्य थे, और इन्होंने बाद में सरदारपुरा जोधपुर से उपचुनाव लड़कर के विधानसभा की सदस्यता ली थी। और ऐसे दो ही मुख्यमंत्री हैं जो सीएम बनते समय विधायक नहीं थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री का नाम आता है 1977 में भैरव सिंह शेखावत जी, छठवी विधानसभा में गैर कांग्रेस सरकार। और ध्यान रखना उस टाइम पर भैरव सिंह जी मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य थे, ठीक है, और ये अशोक गहलोत जी लोकसभा सदस्य थे जोधपुर से। तो ये दोनों उस टाइम पर सांसद रहे और बाद में सीएम बने। और आपको पता है सीएम और मंत्री वो व्यक्ति बन सकता है जो विधानसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे सदस्यता लेना जरूरी है। आपको इसी के तहत आपको पता है पुष्कर सिंह, पुष्कर धामी जी विधानसभा चुनाव हार गए थे लेकिन उत्तराखंड के सीएम बने, क्योंकि 6 महीने के भीतर विधानसभा की सदस्यता लेनी होती है। ऐसे ही आपको याद होगा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव हार गई थी फिर भी सीएम बनी, क्योंकि 6 महीने के भीतर वो उपचुनाव जीत करके विधायक बन गई थी। ठीक है, तो मंत्री, सांसद, ठीक है, प्रधानमंत्री, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बन सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर सदन की सदस्यता लेना जरूरी है। चलो इसके बाद में नेक्स्ट सवाल पर बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान में कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनको कवित्री पर टिप्पणी कारण पद से हटाया गया? ये तो शायद मैंने अभी व्याख्याओं में बता दिया है, अब आप बताइए। आपके लिए चैलेंजफुल क्वेश्चन हैं ये, प्योर राजस्थान के सवाल हैं ये, ठीक है। राजस्थान का मैटर ध्यान रखना दोस्तों, किताबों में बहुत कम है ही नहीं, और जो ये प्रश्न यहाँ पर जितने मैं रख रहा हूँ सब कंपटीशनों में आए हुए हैं, आपको पता है अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। और इन प्रश्नों की यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ और आप देखने में आपको लग भी रहा है बिल्कुल कि ये सवाल इम्पोर्टेंट है, आए हुए हैं और फिर दोबारा से एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि हर सवाल अपने आप में, जिस प्रकार हम एक माला को सजाते हैं तब वो माला बनती है, उस माला में एक एक फूल कड़ी बनता है और तब वो माला बनती है, और तब वो माला भगवान के लिए चढ़ाई जाती है, जिसके लिए भी वो दी जाती है, वो एक सुंदरता को निखार देती है। यहाँ पर राजस्थान का एक एक सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में बढ़त दिलाएगा, क्योंकि आपको पता है राजस्थान के सवाल हर किसी पर, राजस्थान पॉलिटी के सवाल हर किसी पर सही नहीं होते हैं, और पॉलिटी तो आप देख ही रहे हो कितने जबरदस्त सवाल आ रहे हैं, ठीक है। चलो इसका उत्तर है दोस्तों जगन्नाथ पाड़िया। जगन्नाथ पाड़िया जी ने महादेवी वर्मा, कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा, छायावादी कवित्री हैं। महादेवी वर्मा जी पर कब टिप्पणी की थी, कमेंट ये किया था इन्होंने कि महादेवी वर्मा जी पता नहीं कैसी कविताएं लिखती हैं जो हमारी समझ में नहीं आती हैं, इसलिए साहित्य ऐसा होना चाहिए जो जन जन की समझ में आए, सबके समझ में आए। अरे भाई इसको तो वही लोग तो हिंदी को समझेंगे जो हिंदी के स्टूडेंट है, जन जन से क्या मतलब है? ये कोई सरकारी योजना थोड़ी जो हरेक की समझ में आनी चाहिए, ये कोई आरटीआई एक्ट से थोड़ी ना पढ़ोगे इसको, ये तो जो साहित्य का स्टूडेंट होगा वो सीखेगा हिंदी को। तो इन्होंने गलत बोला। और महादेवी वर्मा जी बहुत सम्माननीय कवित्री, आज भी सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है, और इंदिरा गांधी जी स्वयं इनको भूआ के बराबर दर्जा देती थी, भूआ कहती थी, और उन पर टिप्पणी की थी, टिप्पणी कमेंट किया था जगन्नाथ पाड़िया जी ने, जिसकी वजह से इनको फिर सीएम पद से हटा भी दिया गया था, ठीक है। चलो इसके बाद में अगला जो सवाल है वो आपके सामने है, राजस्थान के मुख्यमंत्री का वेतन है। अरे ये तो सरल सवाल है, इसका तो उत्तर दे दोगे। ये तो सरल सवाल है, इसका उत्तर तो दे दोगे भाई, बताओ फटाफट। ये तो सरल है, गुड, बहुत बढ़िया। देखो उत्तर आएगा एक,
75,000 रुपये मासिक। ये किसका? 70,000 मासिक किसका है? स्पीकर सीपी जोशी साहब का, विधानसभा अध्यक्ष का वेतन। 65,000 रुपये किसका है? कैबिनेट मंत्री का वेतन राजस्थान के का। 62,000 किसका है? राजस्थान के राज्य मंत्री का वेतन। ठीक है, सीएम का वेतन कितना होता है? 75,000। फिर राजस्थान के एमएलए, प्रश्न आ जाए विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राजस्थान के विधायक का वेतन कितना है? कमेंट करके बताओ मेरे को फटाफट, राजस्थान के विधायक का वेतन कितना है फटाफट बताओ, जल्दी से जल्दी कमेंट करो फटाफट फटाफट। राजस्थान के एक एमएलए या विधायक का वेतन कितना है? मैं सिर्फ वेतन की बात कर रहा हूं, भत्ते की बात नहीं कर रहा हूं। तो ध्यान रखना, इन वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है। बिल्कुल बच्चों से जवाब दिया है, 40,000 रुपये प्रति माह, 40,000 रुपये। और एक सांसद का वेतन है 50,000 रुपये प्रति माह। सांसद पूरे हिंदुस्तान की बात हो रही है, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य। सांसद का वेतन कितना होता है? 50,000। ठीक है, तो विधायक का वेतन 40,000 रुपये है, सांसद का वेतन, सांसद चाहे वो राज्यसभा सदस्य हो चाहे लोकसभा सदस्य हो, पूरे हिंदुस्तान के सांसदों की बात हो रही है, है ना, 50,000 रुपये प्रतिमाह। ठीक है, सांसद का वेतन। तो ये आपका दोस्तों वेतन से संबंधित क्वेश्चन हो गया, है ना, क्लियर? अब तो गलत नहीं होगा, गुड। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लगाया गया था? देख लीजिए और फटाफट जवाब देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके जवाब देने पर ही आपके नंबरों में, अंकों में, नॉलेज में बढ़ोतरी होगी। समझे कि नहीं? दीजिए जवाब और लीजिए नंबर, वो भी हाथों हाथ डायल करें 1, 2, 3, 4 में से। उत्तर तो आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, उत्तर तो आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, ठीक है, इनके टाइम पर लगा तो है। चलो, कब कब लगा है? राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, अनुच्छेद 356। कितनी बार लगा है राजस्थान में? 4 बार, 4 बार लगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ठीक है, तो सबसे पहली बार लगा था, अवधि अगर मैं देखूं, ठीक है, अवधि, फिर वो राज्यपाल जिनके समय में लगा, और फिर वो सीएम मुख्यमंत्री जो ये रहे, ठीक है, मुख्यमंत्री ये हो जाएंगे। 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक राज्यपाल कौन थे बताइए? संपूर्णानंद थे, इनके समय में लगाया गया था, क्योंकि राज्यपाल की रिपोर्ट पर लगता है। और सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, दूसरा, अप्रैल 1977 से जून 1977, ठीक है, राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी, वेदपाल त्यागी।
और सीएम कौन थे? सीएम थे ये वेद हैं और ये देव हैं, हरिदेव जोशी, ये सीएम थे। ठीक है, फिर तीसरा फरवरी 1980 से जून 1980 राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक। और सीएम कौन थे? सीएम थे भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, इनके समय में। और चौथा दिसंबर 1992 से दिसंबर 1993, ठीक है, और राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी। राज्यपाल कौन थे दोस्तों? एम चन्ना रेड्डी। और सीएम कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। तो वह मुख्यमंत्री जिसके समय में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाए वह है भैरव सिंह शेखावत जी। ठीक है, और भैरव सिंह शेखावत जी के टाइम पर 2 बार लगाए। ठीक है, राष्ट्रपति बता दें तो राष्ट्रपति बताने के लिए तो बेटा हमें एक टेबल और लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये राष्ट्रपति हैं, इनके लिए टेबल कम पड़ जाएगी बेटा। राष्ट्रपति तो हम राष्ट्रपति टॉपिक में लेते हैं, जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन पूछा जाता है तो राष्ट्रपति का नाम नहीं पूछते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री राज्यपाल को ही पूछते हैं। पर फिर भी आपने राष्ट्रपति पूछा है तो मैं बताने की कोशिश करता हूं। रा जावी फनी 11 संके अप्पा मुखर्जी को 2। तो ये हो गए राजेंद्र प्रसाद 1952 से 62, ये हो गए राधा कृष्णन 62 से 67। ठीक है, तो ध्यान रखना ये हो गए जाकिर हुसैन 67 से 69। तो ये थे अपने राधा कृष्णन जी जब राजस्थान पर राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, तो कौन थे? जब राधा कृष्णन थे। क्लियर। इसके बाद में फिर लगाए अप्रैल 1977, फिर बीवी गिरी 69 से 74, फिर फखरुद्दीन अली अहमद साहब 74 से 77। ठीक है, तो अब देखो ये जो फखरुद्दीन साहब थे इनकी डेथ हुई थी मई 77 में। ठीक है ना, तो उस टाइम पर जो लगा था वो लगा था तो मई 77 में डेथ हुई थी, तो अप्रैल में लगा था। ठीक है ना, तो उस टाइम पर दूसरे राष्ट्रपति ये हो गए साहब फखरुद्दीन अली अहमद। फिर दूसरे नंबर तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था फरवरी से जून 1980। अब ये देख लेते हैं 77 से 82, ये नीलम संजीव रेड्डी हो गए। ठीक है, ये हो गए साहब 82 से 87 ज्ञानी जेल सिंह, फिर 87 से 92 राधा का रामास्वामी वेंकट रमन, 92 से 97। बिल्कुल, अब ये जुलाई में आ रहे हैं 25 जुलाई को शंकर दयाल शर्मा 92 से 97, और ये हैं जुलाई 87 से जुलाई 92। तो यहां पर दिसंबर 92 से 93 में लग रहा है, तो इसलिए ध्यान रखना शंकर दयाल शर्मा का नाम आएगा। तो पहली बार राष्ट्रपति कौन थे? राधा कृष्णन। जब राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन लगा जब, तो राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 1, 2, 3 और 4। तो पहले राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति शासन कौन थे? राधा कृष्णन। ठीक है, दूसरे राष्ट्रपति शासन के समय राजस्थान में जब लगा था तो उस टाइम पर राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन साहब, फखरुद्दीन अली अहमद। तीसरे थे नीलम संजीव रेड्डी,
और चौथे नंबर पर थे शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हो सवाल को, ठीक है। अब देखते हैं किस मुख्यमंत्री के काल में उप मुख्यमंत्री रहा, बताइए। इस प्रश्न का जो उत्तर देगा उसको हम समझेंगे कैसा वास्तव में ही मेहनत कर रहा है। अब बताओ देव उत्तर। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जयनारायण व्यास जी के टाइम पर रहे थे टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्री। भैरव सिंह जी के टाइम पर रहे थे हरिशंकर भावड़ा जी उप मुख्यमंत्री। अशोक गहलोत जी के टाइम पर तीसरे नंबर पर सचिन पायलट। इनके साथ में पहले एक साथ दो डिप्टी सीएम रहे हुए हैं, कमला बेनीवाल और बनवारी लाल बैरवा जी, बीएल बैरवा। अब इनका कार्यकाल देखो, ये तो रहे थे 52 से 54 तक। एक मिनट, जब जयनारायण व्यास जी 1 नवंबर 1952 को बन गए थे तब इनका कार्यकाल रहा है 1994 से 98 तक, 94 से 90। कमला बेनीवाल और बीएल बैरवा जनवरी 2003 से दिसंबर 2003। फिर वो आ गए ना वसुंधरा, ये अशोक गहलोत जी के टाइम की बात है। और सचिन पायलट जी रहे थे दिसंबर 2018 से जुलाई 2020। ये तो सब इनका कार्यकाल हो गया, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं और ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। राजस्थान का वह कौन सा मुख्यमंत्री जो की विधानसभा में 2 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, बताओ। फटाफट जवाब दो। हाँ बिल्कुल सही है रघुवीर सिंह, बिल्कुल सही है क्रम में। चलो फटाफट जवाब दो बेटा। गुड, सही जवाब आ रहा है। नारायण मेचंड का सही जवाब आया है भाई। गुड, हरदीप जोशी सही है, बिल्कुल सही जवाब है। ये सारी की सारी जो कहानी है बिल्कुल सही जवाब है, 8वीं विधानसभा की कहानी है। सबसे पहले हरदीप जोशी जी सीएम बनते हैं 1985 से 88 तक, फिर 1988 से 89 तक बनता है कौन, शिवचरण माथुर, और फिर 1989 से 90 तक बनते हैं कौन, हरदेव जोशी जी। तो 8वीं विधानसभा में कौन सी थी, 8वीं विधानसभा में हरदेव जोशी 2 बार बनते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है, बिल्कुल सही जवाब। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहे हैं, अब दो जवाब, ये तो सरल है, इसको तो गलत मत कर देना, जल्दबाजी में कहीं गलत कर दो।
ये तो सही है, इसको गलत मत कर देना रे बच्चों। मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 71 तक रहे थे, ठीक है? तो पहली विधानसभा में, दूसरी विधानसभा में, तीसरी विधानसभा में और चौथी विधानसभा में, तो कुल कितनी बार सीएम रहे? 4 बार। इनका कार्यकाल आपको पता ही है, विधानसभाओं का भी मैंने बता ही दिया है ना। तो 4 बार सीएम रहे, और ये मोहनलाल सुखाड़िया जी युवा मुख्यमंत्री हैं, 38 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए थे। इससे पहले ये जय नारायण व्यास सरकार में वित्त मंत्री थे। सबसे खास बात यह है कि जो मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं, ये उदयपुर से 4 बार ही विधायक रहे थे और 4 बार सीएम बने थे, ठीक है? जबकि हरिदेव जोशी साहब 10 बार विधायक रहे और 3 बार सीएम रहे, ठीक है? ऐसे ही 3 बार सीएम भैरव सिंह शेखावत रहे, और अशोक गहलोत भी 3 बार सीएम रहे। तो सबसे ज्यादा बार सीएम कौन रहे हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। कितनी बार रहे हैं? 4 बार। क्लियर? चलो, मुख्यमंत्री जो संविधान सभा का सदस्य भी रहे, ये तो सरल है, ये तो बोला भी था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। बता दो बता दो, सही सही बता दो। झूठ बोले कौवा काटे, सही सही बता दो, ये तो मैंने बताया है। हाँ रघुवीर, बिल्कुल सही बात है बेटा, काट कार्तिक बारूपाल सही है। गुड। हीरालाल शास्त्री, वेंकटाचारी, जय नारायण व्यास, ये जयपुर से गए थे, ये जोधपुर से गए थे, और ये भी कहां से गए थे? जोधपुर से गए थे। ये तीनों के तीनों संविधान सभा के क्या थे? सदस्य रहे हुए हैं और फिर सीएम भी रहे हुए हैं, ठीक है? गुड, वेरी गुड। राजस्थान के वो मुख्यमंत्री जो राज्यपाल बने थे, ये भी बता सकते हो तुम, वैसे तो थोड़ा सा कठिन है लेकिन। और इसी के साथ में दोस्तों, मैं आज के प्रोग्राम का दी एंड करूंगा, और आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे को आप ये भी बताओगे कितने सवाल सही हुए? ये लगभग 16 सवाल थे, और जिसके 12 से 13 क्वेश्चन भी सही हो गए ना, वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राजस्थान का मैटर हर जगह उपलब्ध नहीं है। और जो ये सवाल हमने दिए हैं, काफी अच्छे सवाल हैं, एग्जामों में आने लायक सवाल हैं। मैं यूं कहूंगी आए हुए हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है? आप दुनिया भर के पेपर देखो, राजस्थान में जो हुए हैं सब में सवाल मिलेंगे। बिल्कुल, इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। हरदेव जोशी साहब असम के राज्यपाल रहे थे, मोहनलाल सुखाड़िया साहब असम, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे थे, जगन्नाथ पाड़िया बिहार और हरियाणा के राज्यपाल रहे थे, और एक और है साहब बताइए जो राज्यपाल रहे हुए हैं, शिवचरण माथुर जी। शिवचरण माथुर, इनका तो पद पर रहते निधन ही हो गया था, और ये भी असम के राज्यपाल थे, ठीक है? तो राजस्थान के 4 मुख्यमंत्री हैं जो राज्यपाल भी बने थे बाद में, ठीक है? इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। कोई बात नहीं प्रियांशी, लेट हो गई तो रिकॉर्ड हो जाएगी, तुम बाद में देख लेना, है ना? बहुत अच्छे से सवाल मैंने समझाए हुए हैं, मेरे को फटाफट कमेंट करके बताओ दोस्तों। और डिजिटल पुरस्कार लीजिए, सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त करने वाले बच्चे को डिजिटल पुरस्कार दिया जाएगा। डॉक्टर विजय भारद्वाज जी उनको डिजिटल पुरस्कार देंगे,
एक पेन देंगे डिजिटली, और आप लोगों को चूंकि ये मकर संक्रांति का त्यौहार है तो गजक तिल की गजक का डिजिटल पुरस्कार देंगे आपको। फटाफट बताइए, एक बच्चा कह रहा है दलपत सिंह राव सीटी में पूरे आपके नोट से प्रश्न आए हैं। बिल्कुल सीटी आप पहली बारी राजस्थान सरकार ने ली है और हमारे सवाल आए हैं बिल्कुल, लेकिन पढ़ाई और मेहनत आपने की तभी तो पहचाने। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं रघुवीर, सब कुछ अच्छे से होगा। गिरते हैं घुड़सवार मैदानी जंग में, वो खाक क्या करेंगे जो घुटनों के बल चले। इसलिए दोस्तों शेर और शायरी के लिए तो हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल जो आपका रेस्पोंड आया बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ में नेक्स्ट क्लास जो लूंगा विधानसभा और राज्यपाल में सुनूंगा। आप खूब पढ़िए, मस्त होकर के पढ़िए, जबरदस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड वेरी वेरी अर्ली। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत जय राजस्थान।